हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन नमस्कार सत श्रीकाल सलाम दिस इज अमित कपूर दोस्तों आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ मंथ ऑफ अप्रैल 2021 का मंथली फोरकास्ट जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी ओल्ड प्रोडिक्शन जो है वो असेंडस पे बेस्ड हैं आपके लगन आपके लगन राशि पे बेस्ड हैं आपकी चंद्र राशि से या आपके जॉडिक साइन से मेरी प्रोडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है तो अब उन्हें लगन साइन uh, को अपने माइंड में रखें और मेरे वीडियो सुने यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन टू मेक योर लाइफ ईजी एंड बेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन सो लेट्स टॉक अबाउट एरिस असेंडस एरिस असेंडस दिस होल मंथ फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू थर्टीथ अप्रैल यू आर असेंडस लॉर्ड हैम्ड बिटवीन राहू केतु इन यूर सेकंड हाउस यू नीड टू बी केयरफुल वायल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू बी केयरफुल वायल स्पेंडिंग योर मनी You need to be careful while talking with elders at home, you need to be careful while talking with your spouse, with your loved one, with your near and dear because this whole month create a lot of problems. After 13th April 2021, you are a slow transit in your third house, which is very strong position and aspecting is on your ninth house. Your good fortune is in favor. You will, uh, your your confidence level will be sky high. But uh, Mars transit in your third house in Gemini sign, which is not very uh, you know uh, friendly relationship with uh, Gemini and uh, Mars. So but you will be in a far better position uh, in the second part of the april 2021 because sun is also entering your first house in aries sign you will definitely feel much relaxed and better but first 13 days you need to be careful you need to be careful while trusting on anyone because this whole time brings a lot of up and down you are not mental stable you are feeling very up and down relationship with your family with your parents with your uh, you know family members will be uh, under shadow there is, you need to be careful while talking. You need to be careful while using any word. First you think once and then you use any word because this whole period will create a lot of problem. After 13th April, your relationship will be a far better position and your old depths will be clear. You will enjoy all around success but after some struggle, after some hurdles. This whole month, April 2021, Aries, you need to perform your best. The more you put effort at your workplace, the more you uh, get fantastic result after 30th April 2021 to till end of the month. Sun transit in your first house, it will give you a lot of lot of confidence. You will enjoy a lot of success. You will enjoy a lot of gains. You will enjoy very good health. You will enjoy very good uh, you know business relationship. Your social circle will widen. you will get name, fame, reputation. Your self-respect will improve. It is ये सारा महीना खास करके एक अप्रैल से लेकर तेरह अप्रैल तक आपको बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलने की जरूरत है क्योंकि इस सारे समय में आ, आपके लगन के लॉर्ड जो हैं थर्टीएथ अप्रैल तक आपके सेकंड हाउस में रहेंगे राहु केतु के, के एक्सिस में रहेंगे जो कि आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है बोलने से पहले सोचें दो बार सोचें तीन बार सोचें उसके बाद किसी अल, अल्फाज का इस्तेमाल करें क्योंकि आपके द्वारा किए गए यू नो यूज़ किए गए कोई भी वर्ड्स जो हैं वो किसी दूसरे को हर्ट कर सकते हैं या आपका कोई ख़ास रिश्ता नि, नियर डियर रिश्ता जो है वो आपका कुछ परेशानी में आ सकता है क्योंकि आपके जो अल्फाज होंगे वो ज़्यादा अच्छे ना होंगे सो जो भी करें सोच समझ के करें पैसों को ध्यान से खर्च करें सेकंड हाउस में मार्स राहु का कंजक्शन है uh, मार्स असेंडस लॉर्ड होकर के राहु केतु के, के एक्सिस में है तेरह अप्रैल 2021 तक एरिस यहां पर किसी से खटपट ना करें किसी आर्गूमेंट्स लड़ाई झगड़े का हिस्सा ना बने पॉजिटिव अप्रोच में रहें मुश्किलें आएंगी उन मुश्किलों को फेस करेंगे तो आगे बढ़ेंगे यू विल डेफिनेटली अचीव लॉट ऑफ गोल्स एरिस जितने एफर्ट डालते रहेंगे उतनी बड़ी तरक्की 13 अप्रैल से लेकर एंड ऑफ अप्रैल 2021 तक मिलेगी द मोर यू पुट एफर्ट एट योर वर्क प्लेस द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट सन ऑल्सो ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस सूर्य का गोचर आपके प्रथम भाव यानी पहले घर में आपके लिए इज्जत लेकर आ रहा है शौरत लेकर आ रहा है नेम फेम लेकर आ रहा है जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आ रहा है कि वो फोकस कर सकेंगे अपनी एजुकेशन पर अगर आप स्टॉक मार्केट से डील करते हो तो आप एक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं यू विल गेट बेनिफिट फ्रॉम स्टॉक मार्केट दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी यू विल इन्जॉय लॉट ऑफ यू नो फैशियल गेंस एंड यूर फैमिल एटमोस्फियर विल भी वंडरफरफुल योर कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई बिकॉज यूर सेंडस लॉड इज इन योर थर्ड हाउस अप्रैल ट्वेंटी एफर्ट्स डालते रहें, जितनी ज्यादा स्ट्रगल आएगी उस स्ट्रगल को आप फेस करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी अचीवमेंट आपको हासिल होगी देखें एरिस कामयाबी हमेशा उसको मिलती है जो स्ट्रगल को फेस करके आगे बढ़ता है तो यह समय आपके लिए कुछ स्ट्रगलिंग जरूर रहेगा बट यू विल डेफिनेटली ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ आफ्टर अप्रैल 2021 बिकॉज सन ट्रांजिट इन योर फर्स्ट हाउस एंड योर योर ट्रांजिट इन थर्ड हाउस एक्सपेक्टिंग इज ऑन यूर नाइन्थ हाउस एंड टेंथ हाउस आपका पुराना कर्जा खत्म होगा अगर आप नया लोन लेना चाहते हैं वो क्लिक हो जाएगा यानी कि आपके जो फाइनेंशियल टाइम्स हैं वो तेरह अप्रैल के बाद फार बेटर पोजिशन में हो जाएंगे इस सारे महीने में आपके लिए लॉर्ड हनुमान जी की उपासना करना इस सारे महीने में हनुमान चालीसा का उच्चारण करना इस सारे महीने में अब जितना ज्यादा हनुमान जी का गुणगान करेंगे जितना ज्यादा लॉर्ड हनुमान जी की उपासना करेंगे ट्यूसडे वाले दिन शाम को या शनिवार वाले दिन शाम को लॉर्ड हनुमान जी के मंदिर जाए वहां जाके नतमस्तक हों उनको किसी भी मिठाई का बूंदी के लडुओं का भोग लगाएं आपके लिए कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा चढ़ा रहेगा यह सारा महीना आपके लिए बहुत ज्यादा उपलब्धियां लेकर आएगा लेकिन 13 अप्रैल 2021 के बाद का जो समय है आपके लिए एडवांटेज फेम प्रोस्पैरिटी अपॉर्चुनिटीज़ रिवार्ड्स अनएक्सपेक्टेड गेंस मल्टीपल शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीस लेकर आ रहा है और ये सारी चीज़ों से आपको बड़े एडवांटेज मिलेंगे अगर आप शॉपकीपर हैं अगर आप किसी किस्म के ट्रेडर हैं अगर आप किसी किस्म के मेनुफैक्चर हैं तो ये सारा समय तेरह अप्रैल के बाद एंड ऑफ अप्रैल ट्वेंटी आपके लिए लाजवाब जाने वाला है जिसमें आपको बहुत अच्छे गेंस होंगे मेंटली आप बड़े सेटिस्फाई रहोगे नई नई चीज़ें आपके पास आएंगी और आप उन चीज़ों से बहुत अच्छा बेनिफिट उठाओगे ए रिस्क अपने एफर्ट्स डालते रहें कर्म करें अच्छे कर्म करें किसी को uh, किसी के साथ चीटिंग ना करें जो गलतियां हुई हैं उस गलतियों को यू uh, नो you know, नजरअंदाज ना करें बल्कि उन गलतियों के रूबरू हों आप उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे और लाइफ में बहुत ज्यादा शाइन करेंगे सो so, यह सारा महीना अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन का फर्स्ट अप्रैल टू थर्टीथ अप्रैल यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट डोंट स्टार्ट एनीथिंग न्यू एंड फ्रॉम थर्टी एथ अप्रैल टू एंड ऑफ द मंथ यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ लॉट ऑफ गुड एडवांटेज अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड्स Taurus ascendance this whole week this whole month april 2021 your ascendance lord transit in your 11th house in first 10 11 days of april 2021 your old dreams and desires will be fulfilled you will earn a lot of money name fame prosperity your seniors will be satisfied from your performance you will enjoy very good moments at your workplace if you are interested to uh, you know Switch off your job. This is the right time. You will earn a lot of money. You will earn a lot of name, fame, prosperity. You may get job as per your expectations if you want to switch off. So otherwise, you will be top and you will be sky high till 11th of April 2021. You need to polish yourself, you need to perform your best. Good fortune is in your favor. You may spend your money on luxury. Uh, you may buy some luxury items for your home, for your status because your ascendant's lord is in your 11th house. Your friends will support you, your friends will help you and uh, you may meet some new person in your life and they will give you very good advice to make your life easy and better. You will earn a lot of money, you will earn money from s uh, other source of earnings. If you are a businessman, if you are importer-exporter then April will be a wonderful month for you. You will earn a lot of money, name, fame, prosperity. You may sign any contract in far away place from your land. Because Venus is in your eleventh house till eleventh of April, twenty twenty one, and uh, after that Venus transit in your twelfth house. There's a strong chances for some frequent foreign travel, and you will enjoy all around success. Taurus, put your efforts, perform your best, think positive and big. You will definitely achieve big goals and big milestone. Because this whole month will full of achievements, fame, prosperity. Sun is also entering your eleventh, uh, uh, sorry, twelfth house from fourteenth uh, April, twenty twenty one, to next thirty days. इफ यू आर विलिंग टू पी आर इफ यू आर विलिंग टू वर्क परमेट दिस इज अल्टीमेट टाइम वृश लगन के लिए अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन बहुत ज्यादा उपलब्धियां अपर्चुनिटीज रिवार्ड लेकर आ रहा है लगन का लॉर्ड आपके एकादश भाव में

सकते हैं जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे आपको बड़ी अच्छी एडवाइस देंगे जो एडवाइस नियर फ्यूचर में आपके लिए कारगर साबित होगी 11 अप्रैल के बाद आपका शुक्र बारहवें भाव में संचार करेगा और 14 अप्रैल से सूर्य भी शुक्र के साथ आपके ट्वेल्थ हाउस में होंगे तो ये जो पोजीशंस बन रही हैं ये जो प्लानटरी पोजीशंस बन रही हैं आपके लिए जो लोग फॉरेन पीआर चाहते हैं फॉरेन वर्क परमिट चाहते हैं फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं उनके लिए फोर्टीनथ अप्रैल के बाद का टाइम बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग आ रहा है आपके थोड़े से एफर्ट्स आपको बहुत बड़ी तरक्की तक लेके जा सकते हैं आप फॉरन में सेटल हो सकते हैं पी ले सकते हैं वर्क परमिट ले सकते हैं ये टाइम रहेगा आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स डालते रहेंगे उतनी ज़्यादा बड़ी कामयाबी मिलती रहेगी एफर्ट्स डालेंगे कामयाबी मिलेगी हर एक तरह की उपलब्धि आपको मिलेगी बहुत सुख आपके पास रहेंगे लग्जरी पे आप आ, कुछ पैसा खर्च कर सकते हैं अपने लिए अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसे आपका सोशल सरकम स्टेटस राइस हो इस सारा समय टॉरस अगर आप बिजनेसमैन है इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं, तो फॉरन में कोई डील आपकी हंड्रेड परसेंट क्लिक होगी जो आपको लाभवांित करेगी अनएक्सपेक्टेड गेंस सीन एज पर बिकॉज वीनस is in your इज इन यूर एलेवंथ हाउस इन अलेवंथ अप्रैल आफ्टर दट यूर transit in your 12th house. There is a strong chances of frequent foreign journeys. आपकी आकस्मिक अचानक कोई फॉरन जर्नीज़ हो सकती हैं जो आपको लाभ वांछित करेंगी और आपको बड़े अच्छे गेंस आपको वहां पर मिलेंगे ये सारा समय उपलब्धियों वाला है अप्रैल 2021 ट्वेंटी वन टॉरस आपके लिए अगर आपके बर्थ चार्ट में महादशा शुक्र शनि या आ, मरकरी की चल रही है तो ये समय आपको अनएक्सपेक्टेड गेंस देगा फोनांशियल टाइप्स देगा नेम फेम परस्पैरिटी देगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे जितना ज़्यादा क्रियाशील और कर्मशील रहेंगे उतना ज़्यादा लाभवांछित आपको अप्रैल 2021 में देखने को मिलेगा अनएक्सपेक्टेड गेन्म्स होंगे सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा यू नो आपके रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा अगर आपकी प्रमोशन पेंडिंग है तो वो पहले ग्यारह दिनों में हो सकती है अगर आप जॉब स्विच ऑफ करने के बारे में सोच रहे हैं तो टाइम बड़ा अच्छा है दिस होल पीरियड विल ब्रिंग्स ऑफ पॉजिटिविटी गुड फेम रिवार्ड्स यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट द मोर यू पुट एफर्ट एट योर वर्क प्लेस द मोर यू गेट फंटास्टिक रिजल्ट टोरस ट्राई टू डू योर बेस्ट Try to make a good relationship with everyone. Don't use any loose word, don't use any rash word. Try to give respect to everyone. You will definitely get a lot of achievements. A lot of good opportunities will knock you because your ascendant slot is in 11th house and 12th house. In kalpurush chart, Venus is very comfortable in 12th house as well. After uh, 11th of April 2021, when your ascendant slot transit in your 12th house, you will little bit upset due to unexpected expenditures but your source of earning will be ultimate so this whole month will full of opportunities reward fame prosperity just perform your best so let's talk for gemini ascendants gemini ascendants in the month of april 2021 you will see mixed results your hard work will convert in sweet success but after the second part of the month first april to 13th april you need to be careful one positive event will happens when jupiter enter in your ninth house from 6th april jupiter enters in 9th house in a karak bhav jupiter is not a beneficiary planet for your ascendants but jupiter nature is very positive and very promising so nature uh, as per nature of jupiter you will definitely will be in a better position compared to last few months so Germany, in the month of april 2021 first 14 days you need to be careful once on enter in your 11th house your source of earning will develop if you are unemployed you may get job if you are willing to apply a job in any multinational company, you will definitely get. businessman will get a lot of profits from workplace. From 14th April 2021 to next 30 days will be a game changer act for you. You will enjoy all our success, you will enjoy all around success, name, fame, position, prosperity. But first 14 days will be a little bit struggling for you. First April to 13th April is not very rewarding time for you. No doubt, Jupiter has changed its sign, but Jupiter is a very slow-moving planet. Like uh, one and uh, near about thirteen months stay in one zodiac uh, sign or one house, so it will take some time to give you good results. But overall, Jupiter is in ninth house. You will find out new directions of your life. You will find out new uh, source of earning. You will find out new uh, you know good gains you will saw a lot of big plannings because jupiter is in your ninth house. this whole month, april 2021, will be a far better month compared to last few months or one year germany. because now only saturn is in your eighth house, jupiter is in your ninth house. you will definitely uh, steal the show. you will get reputation. you will get your reputation back. you will get a lot of money, name, fame, prosperity. 14th april to end of the month, april 2021, you will be another height of success. you will enjoy very good uh, you know source of earning you will enjoy very good uh, family atmosphere at your home your family will support you your father your grandfather will support you you need to keep regular keep in touch with your father or grandfather if you are living far away place try to keep uh, you know try to touch the feet of your father or grandfather every day morning before start your day and every night before uh, you know before going to sleep this whole month will be, will be a biggest game changer for you if you plan everything according to a birth chart, you will definitely rock. But if you have a good Mahadasha, like a Mercury Mahadasha, if you have a Jupiter Mahadasha, you have a if you have a Saturn Mahadasha, you will definitely uh, will be a far better position compared to last few months. But overall, Germany, Jupiter is a not a beneficiary for you, so you need to perform your best because Saturn is the main beneficiary planet which is transiting your eighth house from ascendant, which is not very productive house. It will create a lot of obstacles, hurdles, delay. So, overall, one side Jupiter will protect you. There is no doubt. And Sun is also transiting 11th house in the month of April 2021 after 14th April. You will definitely earn very good money. You will definitely earn name, fame, position. If you are a businessman, if you are any type of importer, exporter, you will definitely blessed with a lot of gains. This whole time, April 2021 will be a biggest game changer for you, Germany. Just perform your best, don't think negative, leave everything. लीव ऑल नेगेटिव थिंग्स अबाउट पास्ट ऑन वन साइड एंड जस्ट फोकस ऑन लॉट ऑफ गोल्स मिथुन लगन के लिए ये महीना बहुत बड़े बदलाव लेकर आ रहा है 6 अप्रैल को यानी 6 अप्रैल बीस को जुपिटर आपके अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव में जा रहे हैं तो एक बहुत बड़ा इवेंट आपके साथ पॉजिटिव इवेंट होने वाला है लेकिन जुपिटर आपके लिए योग कारक प्लानट नहीं है उसके बावजूद जुपिटर की जो नेचर है वो बड़ी पॉजिटिव है जुपिटर जिन चीजों को डिनोट करते हैं वो बड़ी अच्छी हैं। सो जर्मनी दिस होल टाइम यू विल डेफिनेटली स्टील द शो वेन यू विल गेट यूर रेपुटेशन बैक आपकी इज्जत वापस आपको मिलेगी नेम फेम आपका बढ़ेगा अनएम्प्लॉयड हो तो नौकरी मिलेगी चौदह अप्रैल से लेकर एंड ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक का जो पीरियड है आपके लिए रिवॉर्ड्स इनकम प्रोस्पैरिटी सोर्स ऑफ अर्निंग को लेकर आ रहा है न्यू गेंस uh, को लेकर आ रहा है क्योंकि सूर्य एक, एकादश भाव यानी इलेवंथ हाउस में गोचर करेंगे ये समय आपके लिए रिवॉर्ड्स लेकर आएगा प्रोस्पैरिटी लेकर आएगा हायर अथॉरिटी से आप जो कॉन्टैक्ट चाहते हैं जो स्पॉर्ट चाहते हैं वो आपको मिलेगी सोर्स ऑफ अर्निंग आपके डेवलप होंगे गुड इंजॉय गुड इंजॉय करेंगे गुड हेल्थ करेंगे ये सारा महीना चौदह अप्रैल से लेकर तीस अप्रैल बीस तक आपके लिए अपॉर्चुनिटीज रिवार्ड्स अनएंप्लायड के लिए जॉब जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए अच्छा प्रॉफिट लेकर आ रहा है अपनी परफॉर्मेंस दें अपने आप को नेगेटिव थॉट्स के अंदर घेरे में ना आने दें उस नेगेटिव थॉट्स के घेरे को तोड़कर आगे बढ़ें क्योंकि इंसान की तरक्की में सबसे बड़ी बाधा है उसकी नेगेटिव थिंकिंग तो आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अपने दिमाग से निकालें और उसको कहीं कूड़े के डब्बे में फेंक दें जस्ट फोकस करें अपने टारगेट्स uh, को यू विल डेफिनेटली रॉक बिकॉज देखें दो जो एस्ट्रोलॉजी है इसमें चार ऐसे प्लानट हैं खास करके दो ऐसे प्लानट हैं जो एक लॉन्ग यू नो ट्रांजिट होते हैं हर एक हाउस में लाइक जुपिटर एंड सैटर्न वो दोनों ही प्लानेट आपके अष्टम भाव में थे पिछले 12-13 महीने से तो अब जाकर जुपिटर को रिलीफ मिला है वेन दे एंटर इन यूर नाइन्थ हाउस सो नवम भाव जुपिटर का कारक स्थान है अगर हम लगन को भूल जाएं सिर्फ काल पुरुष कुंडली को स्टडी करें तो जमनी आपके लिए ये पीरियड बहुत अच्छा आने वाला है परफॉर्मेंस दें अपनी काबिलियत को लोगों के सामने पेश करें लोग आपको समझेंगे आपको अप्रिशिएट करेंगे और आपको रिवार्ड्स मिलेंगे ये सारा समय अगर आपके ऊपर अच्छे प्लैनेट की महादशा है आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में और आप अग, अगर अपने बर्थ चार्ट को किसी भी नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से या एक्सपर्ट से आप Uh, analyze karwate, he will definitely let you know which type of Jupiter transit uh, for you and which type of benefit, results, or negative or positive events will happen in next year, 13 month uh, when Jupiter is in 9th house. But overall, I'm talking about April 2021. This whole month will be a biggest game changer from 14th April to 30th April when you will feel much relaxed, better, comfort, source of funding will develop, unemployed will get job, businessmen will get a lot of new opportunities, and a lot of new source of funding will develop. Up. You will earn money from multiple source of funding. Read the mantra Om Gan Gan Namah. Om Gan Gan patay nama, Om Gan Gan patay nama, Om Gan Gan Namah. More you chant this mantra, 100 one time, 121 time, 150 one time. More you feel positive energy. Must read Lord Ganesh Chalisa every day morning. Must visit temple or uh, Gurdwara Sab every day morning. It will be a biggest event because Jupiter is in your ninth house from 6th April 2021 to end of the April 2021. So you need to perform your best, put your efforts. You will definitely get fantastic results.